कानपुर के प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने रविवार को कहा कि भाजपा से तालमेल किया जा सकता है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र कर दिया है। ऐसे में सभी अपमानित नेताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। शहर में आए शिवपाल ने कहा कि अखिलेश यादव ने तो पहले ही स्वतंत्र कर दिया था, बाद में औपचारिक पत्र भी जारी कर दिया है। यह उनकी अपरिपक्वता है कि उन्होंने कहा कि पार्टी में अपमानित लोगों को साथ जोड़ा जाएगा, राजभर को भी साथ लिया जा सकता है। राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला को मौका मिला है, उन्हें वोट दिया जाएगा। स्मृति ईरानी के मुद्दे पर बोले कि उन्होंने पहले ही माफ कर ली है, माफी मांग भी ली है। शिवपाल का जाजमो पुल पर भी स्वागत किया गया। प्रसपा के महानगर अध्यक्ष आशीष चौबे, पुष्पेंद्र यादव, अब्दुल समी, हाजी अयूब आलम, ज्ञानवेंद्र, विवेक शर्मा आदि बाद में शिवपाल लाजपत भवन में चल रहे जादूगर सिकंदर के शो में पहुंचे। आपको पता ही है डॉक्टर आनंद झा हर साल कोई कोई कार्यक्रम करते हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल भर कोई कोई कई बार कार्यक्रम कर लेते हैं, तो हम उनके कार्यक्रम में आ जाते हैं। और हम तो चाहते हैं कि ये सब कुछ जो जनता के सामने परेशानियां हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा जादू करे तो उसकी सब समस्याएं हल हो जाएं। देखिए अभी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के साथ साथ महंगाई है, महंगाई के साथ हमारे छात्र नौजवानों के सामने जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। ये समाज अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ लड़ेगी? देखिए अभी हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, आगे चल करके हम गठबंधन करेंगे, किसी न किसी से गठबंधन करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा किससे करेंगे। बीजेपी सरकार से कितना संतुष्ट है? देखिए अब जनता को संतुष्ट होना चाहिए और मुझे लगता है कि जनता भी संतुष्ट नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार जो है इस तरीके के विषय नकल जो आती है या नंबर बदले जाते हैं, क्या कहना है आपको बच्चों भविष्य छात्रों के बारे में? देखिए वैसे तो छात्रों के और नौजवानों के सामने परेशानियां हैं, तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद लड़कों के सामने ऐसी समस्या आ जाती है, पर्चे पकड़े जाते हैं, मेहनत करने के बाद फिर परीक्षाएं होती हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं, नहीं आना चाहिए। ये देखिए सरकार को पहले से इस पर कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी समस्याएं ना। आदित्य को राजनीति में लाएंगे? वो तो राजनीति पहले से है, पहले से आपकी बड़ी प्रतिष्ठित परिवार में। और देखिए वो तो पहले से राजनीति में, तीसरी बार अभी ICA के 2024 में ICA के अभी डायरेक्टर चुने गए हैं, आप जान ही रहे, 2 बार PCF के चेयरमैन भी रह लिए हैं। और 2024 में आप चुनाव लड़वाएंगे? अब ये तो हमारी पार्टी तय करेगी, जब राजनीति में हैं तो हमारी पार्टी तय करेगी। 2024 के लिए देखिए करना चाहिए, करना चाहिए, हम तो अपनी पार्टी को संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अब हमारे नगर के